हमारी अंगूठी। लगता है ये आपकी अंगूठी है। अल्हम्दुलिल्लाह ना। आपका निकाह है आज और आपकी शादी। हाय गाइस, सलाम। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए स्पेशल वीडियो, इंडियन ब्राइड वर्सेस पाकिस्तानी ब्राइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भर भर के लाइक कर देना, और अगर ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। देख बेटा, अगले महीने तो 28 की होने वाली है। मैं और तेरे पापा सोच रहे ना तेरे लिए लड़का देखना शुरू ही कर देते हैं। मम्मी ढंग से बैठ, अब तेरी एक भी नहीं चलने वाली है। हमने बोल दिया तू चाहे जितना लड़े तेरी शादी करा के रहेंगे, समझ आई? मम्मी मैं तो यही बोल रही हूँ, अब मेरी शादी करा ही दो। हैं? देख रखा है ना तूने लड़का कोई? मम्मी को तो बता ही सकती है, बता दे बेटा। वो अपना दुर्गेश है ना। दुर्गेश? दुर्गेश वो कल्लू कल्लन कालिया? मम्मी यार अपने दामाद को कालू कल्लू मत बोलो ना। बदतमीज गई की एकदम पापा भी गई है। उस गवार से ना तो तेरी शादी होने से रही, समझ आई? मम्मी गवार तो मत बोलो कम से कम। अब MBA चाय वाले का नाम सुना है आपने? वैसे ही अपना दुर्गेश, BTech चाय वाला, पूरे कानपुर में नाम है उसका। है? बीटेक कर रखी है तो कोई जॉब वाई नहीं करता अच्छी सी? मम्मी जॉब तो करता ही था ना, पर 25,000 कमाता था, मेरा खर्चा थोड़ी ना निकल पाता उसमें। क्या बोली? मम्मी वो छोड़ो ना, अब पता है आपको कितने कमाता है? 30,000। बस 30,000? सुनो तो, वो भी दिन के 30,000 के? 60, 90। वाह, पूरी मम्मी पे गई है। बैठी क्यों है? जा दामाद जी को घर बुला और बोलियो मम्मी पापा के साथ आए। जल्दी जा, जा उठ जा। जा रही हूँ मम्मी, रुको। नाश्ते से पानी की तैयारी कर लेती हूँ। अम्मी जान। अम्मी बड़े जोरों की भूख लगी है, जरा आप मजे के खाने ले आए। रुखसाना पहले आप ये बताएं कि यूनिवर्सिटी का आज आपका आखिरी दिन था ना? जी अम्मी जान, अब हम यूनिवर्सिटी बस रिजल्ट लेने जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रहम करे। आमीन। वैसे मैंने और आपके अब्बू जान ने तय कर लिया है कि आपका निकाह करवा दिया जाए। जी अम्मी जान, जैसा आपको ठीक लगे। बाजी, बाजी। अरे अमीना बेगम, आइए आइए, तशरीफ रखिए। मैं सोच रही थी कि जो बचपन में बात तय हुई थी उसे पूरा कर दिया जाए। वो क्या? हमजा और रुखसाना का निकाह पढ़वा दे। अमीना बेगम, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जी बिल्कुल, ये तो बेहद खुशी की बात है। मैं अभी हमजा के अब्बू को कॉल करके बताती हूँ। दुआ पढ़िएगा। जी बिल्कुल। ये लीजिए, ये खाइए। अरे अम्मी जान, इतना सब? हमने आपका रिश्ता पक्का कर दिया है। पक्का कर दिया? किसके साथ अम्मी जान? हमजा के साथ। हमजा भाईजान? अस्तगफिरुल्लाह, अब तो भाईजान ना बोले, वो आपके होने वाले मियां हैं। अरे लीजिए बहन जी। ना जी ना बहन जी, हम ना लेंगे, हम तो दहेज भी ना लेंगे। हमारे कालू का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। हाँ बहन जी, हमारा दामाद काला थोड़े है जो आप कालू कालू बोल रही हैं। नाम से बुला
बताइए ना, इतना अच्छा नाम है दुष्यंत। दुशासन ना, मम्मी दुर्गेश दुर्गेश। अरे बहन जी लीजिए ना। अरे अरे ना 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 बहन जी, हम ये सब ना लेंगे, हम तो दहेज भी ना लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम तो बड़े मॉडर्न लोग हैं, ये सब तो पुराने जमाने में चलता था ना, वैसे भी आपकी औकात ही कहाँ है। अरे बहन जी, हम भी खानदानी लोग हैं, अपनी बेटी के लिए तो पूरी लिस्ट बना रखी है कि दहेज में क्या क्या देंगे, बेड, कूलर, अलमीरा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, पंखा, बताइए कोई कमी रह गई मेरी लिस्ट में? क्या लिस्ट बनाई है बहन जी आपने? वैसे आजकल बच्चे डब्बे वब्बे में खाना गरम करके खाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? अरे बहन जी, माइक्रोवेव। बस आपने बोल दी, समझो हो गया है। बहन जी हमने कहाँ बोल दिया बेटा, हमने हमने कहाँ बोला बहन जी बताओ? हमने तो ये भी ना बोला कि हमारे यहाँ सास ननद को सोने की चीजें दी जाती है, बताओ, और हम ये माइक्रोवेव को बोलेंगे क्या? ना ना बहन जी, हम नहीं बोलेंगे। अरे हम क्या भूखे नंगे खानदान से? जब हम अपनी बेटी को सोने का, हाथ का, कान का, नाक का, गले का, हर जगह का दे रहे हैं, तो उसकी सास और ननद को भी दे देंगे। लीजिए बहन जी, लीजिए। अरे बहन जी हम क्या ले लेंगे, हम तो बिल्कुल ना लेंगे, आजकल थोड़ी चलता है ये सब, बताओ। बिल्कुल भी नहीं बहन जी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बताओ ऐसे थोड़ी होता आजकल। आप भी ना बहन जी। अरे लो बेटा कालू, दुष्यंत बेटा लो। मम्मी दुर्गेश। हाँ दुर्गेश बेटा लो। रुखसाना बेटा तू ना बहुत भोली है, तुझे पता नहीं है तू ना मेरी इकलौती बेटी है, और वो हमजा उसका इकलौता बेटा। उस हिसाब से देखा जाए तो इस पूरे जायदाद का वो अकेला वारिस बनेगा। बेटा जरा पापे तो पास करना। मैं ना सोच रही थी कि आज जब तेरे अब्बू घर आएंगे ना, उनसे बोल के हक मेरे पे 20 लाख रुपए नगद, और वो जो इस्लामाबाद वाला घर है और लाहौर वाली जमीन तेरे नाम पे करा दूंगी, तभी पढ़वाऊंगी तेरा निकाह। अम्मी जान ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे छोड़ो, खून तो तेरे अब्बू वाला ही है ना, कल को दूसरी लेके आ गया फिर बोल, तुझे पता नहीं है, तेरी अम्मी जान को सब पता है। ये बुआ सास के लिए और ये वाला मामी सास के लिए। बेटा जल्दी जल्दी निकालो। अच्छा मम्मी ये बताओ, दुर्गेश की मम्मी को शादी में कौन सा सूट देना है? पति को नाम से बोल रही है। अच्छा तो ये बता दो कि कालू की मम्मी को शादी में कौन सा सूट देना है? क्या ससुराल जाके माँ की नाक कटवाएगी? और ये कल्लू कल्लू क्या लगा रखे है, काले तो कल्लू वाले ही। पति से ना इशारों में बातें करते हैं, इशारों में। तो बताओ फिर ये कि को क्या देना है? ये पिसबुस पुसबुस क्या लगा रखा है? मम्मी मुझे ना तुम्हारा समझ ही नहीं आता, दुर्गेश बोलो तो दिक्कत, कालू बोलो तो दिक्कत, अब इशारों में भी बोल लिया तो उसमें भी दिक्कत, मुझे तो तुम्हारा समझ ही नहीं आता। बेटा पति से ना प्यार से बात करते हैं, अपनी मम्मी को कभी दिखाई पापा को कैसे बुलाती है? ए जी, ओ जी, प्यार से मतलब कुत्ता। रुखसाना। जी अम्मी जान। रुखसाना
जरा हमजा के लिए मजे की चाय बना लाना। अभी लेकर आते हैं हमजा भाई के लिए चाय बना के। अस्तगफिरुल्लाह, कबूल कर लाएगी इस लड़की को? छोड़े यार। जी भाई जान। भाई भाई बोल के इसने अपने निकाह का बेड़ा गर्क करा लेना है। अमीना बेगम छोड़े आप, बच्ची है संभल जाएगी। अम्मी लगता है कोई दरवाजे पे है, हम अभी आए। जरा देखिए तो, आपके लिए कोई कागज लेकर गया है हमजा भाई। या अल्लाह खैर करे, कब अकल आएगी इस बच्ची को। जा जा चाय बना के लिए आओ। जी हमजा भाई। या अल्लाह। भैया लहंगा दिखा दो, शादी वाला लहंगा। पता है मम्मी, कानपुर की बेस्ट शॉप है ये। हाँ मैडम, क्या दिखाऊं? भैया ब्राइडल लहंगा देखना है। लाइट कलर के आए हैं, पेस्टल लहंगा, वो दिखा दूं? पेस्टल? हाँ भैया दिखाओ, पेस्टल दिखाओ। बेटा पेस्टल क्या होते हैं? अरे मम्मी पेस्टल लाइट कलर, सफेद लाइट। मम्मी सफेद सफेद लहंगा दिखा दो, मैं चप्पल दिखाऊंगी तुझे। चप्पल तुम बाप पे गई है, सफेद लहंगा दिखेगी? हाँ अपनी कुछ कराएगी? हाँ बोल, सफेद लहंगा दिखाऊं तुझे। मम्मी क्या कर रही हो, मेरी कोई इज्जत है या नहीं? हम दुकान में। सॉरी भैया। मम्मी आप भी ना, ये देखो ये कियारा आडवाणी ने पहना था पेस्टल पिंक, और ये देखो ये वाली, तो ये तो अनन्या की कजन है, उसने पहना था सफेद लहंगा। और ये सब कुएं में कूदेगी तो तू भी कूद जाएगी। हाँ इनके पतियों को देख और खुद के पति को देख। बढ़िया ही सफेद लहंगा दिला दे। भैया गाढ़े रंग का लहंगा दिखाओ, लाल एकदम लाल, कि इसका खून भी बह जाए ना तो पता ना चले। दिखा दूं? बता भैया को। दिखा दो भैया, लाल लहंगा ही ठीक है। दिखा रहा हूँ लाल कलर का। भैया लाल कलर का लहंगा दिखा दो, एकदम माँ पे गई है। सारा बेटा शॉपिंग पे नहीं जाना आपको? कैसी शॉपिंग अम्मी जान? अरे आपके वलीमे और निकाह का जोड़ा नहीं लेना? अम्मी आपने निकाह तो तय कर ही लिया है, तो जोड़ा भी आप ही तय कर लीजिए। अरे बेटा तू समझी नहीं, इधर जा, जरा कान लगा के आना कि तेरी ताई जान क्या दे रही है तुझे। अम्मी जान हमें नहीं जाना, हम अपनी पढ़ाई में बहुत मशरूफ है अभी। बाद में कर लेना बेटा। रुखसाना बेटा। सलाम ताईजान। सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रुखसाना बेटा कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो ताईजान काम 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 बहुत है ना, कि पास निकाह पास आ रहे हैं। बेटा ये हम आपके लिए वलीमे और निकाह का जोड़ा लाए हैं। अरे वाह ताईजान, इसका रंग तो बड़ा ही खूबसूरत है। ये रंग हमें बेहद पसंद है, और अब से हमारी बहू हमारे ही पसंद के कपड़े पहनेगी। शुक्रिया। चलिए हमारी नमाज पढ़ने का वक्त हो गया है। देख रही है अपनी ताई जान को, अभी से हुक्म चला रही है तुम पे। और ये जो जोड़ा है ना, ये मेरे घर वालों ने दिया था तेरी ताई जान को, संदूक से निकाला और तुम्हें थमा दिया। पर अम्मी ये रंग तो बड़ा ही खूबसूरत है ना। माशाल्लाह मेरी बेटी खूबसूरत है, सारे रंग जचते हैं तुम पे। राते में जाली, तू क्यों नहीं? ये ढोलक सही से नहीं बज रही बहन जी। हैं? बेटा देखना क्या हो गया। कल्लू ढोलक नहीं बज रही हमारी, लगता है खराब हो गई है। अच्छा अच्छा ठीक है, आ रहा है मम्मी आ रहा है। क्या हो गया? देखो बेटा पता नहीं बजी नहीं थी। जीतू जीतू क्या हुआ आंटी? फ्लश खराब हो गई है। एक मिनट। हाँ खा लो। अभी
कालू गैस खत्म हो गई यार। हाँ कालू बर्तन धोने का साबुन खत्म हो गया। हाँ कालू वो कूड़े वाला आज कूड़ा नहीं ले गया। चलो बेटा वरमाला पहनाओ। अरे लाइट कैसे चली गई? लगता है ट्रांसफार्मर फूक गया। कालू बेबी बेबी अभी देख के आता हूँ। रुक्साना सुनो मेरे कपड़े इस्त्री कर देना। जी हमजा भाई। होने वाला शौहर है वो तुम्हारा। भाई ध्यान करती रहती हो जब देखो। पहले भाई अब अब्बा का जमाई। इन सब में तो हमारी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। रुक्साना जी मेरे जूते ढूंढ के पॉलिश करके दे देना। हाँ जी एक और काम। रुक्साना आज शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं वो यहीं रुकेंगे और 3 सब्जियां और फुलके। हाँ जी। और सुनो चाय और पापे भी बना लेना। दादी क्या हुआ? हमारे तो पैर दुख गए हैं सारा दिन काम कर करके। काम कर करके थक जाते हो तुम? कोई बात नहीं हमजा का एक निकाह और करा देंगे वो कर लिया करेगी काम। क्या दादी तो कैसे लगे आपको हमारी ये कोशिश? अगर हमने कोई गलती की हो तो हमें कमेंट सेशन में जरूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक भी कर देना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।